हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 5 छोटूज हाउस का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 34। Draw pictures of any two animals that live in our house uninvited. अब आपने बच्चों दो animals की pictures draw करनी है जो हमारे house में बिना invite, जैसे कि हमने last video में पढ़ा था, जैसे lizard, cockroach, rats, mouse, parrots, ये जो भी आप draw करना चाहते हो आसान से आसान picture इसमें draw करोगे और इनके write their names below the pictures और इस line पे क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। तो अब हम draw करते हैं। सबसे पहले आप क्या draw करोगे? सबसे पहले हम एक माउस, माउस आया था ना, माइस कैसे एक दूसरे के पीछे कैसे खेल रही थी, जैसे आप बहन भाई खेलते हो इस चैप्टर में। तो ये देखो, ये हम इनको बुलाते थोड़ी हैं, ये तो हमारे घर में वैसे ही घुस जाते हैं माइस और हमें तंग करते हैं हमारी खाने पीने वाली चीजों पे। तो अब हम इसके क्या लिखेंगे, स्पेलिंग, इसका नाम लिखेंगे MOUSE, माउस। और आगे हम एक बनाएंगे स्पाइडर और इसका वेब जहां वो बनता है जाल, ये कहाँ होती है, जहाँ गंदगी ज्यादा होती है वहीं पे ये स्पाइडर अपना जाल बुन लेती है अपना हाउस। तो ये हमारी क्या बन रही है, स्पाइडर। जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्पाइडर, रैट, पैरेट, लीजर्ड, एंट्स, ये बिन बुलाए अनइनवाइटेड, जिन्हें हम नहीं बुलाते वो हमारे घर में वैसे आ जाते हैं। अब हमने इन पिक्चर को ड्रॉ कर दिया, आप इसमें कलर भी कर सकते हो ताकि ये और ज्यादा अच्छे लगे, वैसे ड्रॉ करना था। अगर आपकी इच्छा है तो आप इनको कलर भी कर सकते हो। SPIDER, स्पाइडर मीन्स मकड़ी। डू यू कीप योर हाउस क्लीन, हाउ, क्या तुम भी अपने हाउस को क्लीन रखते हो और कैसे रखते हो? तो यस, क्योंकि हमसे पूछा है कि क्या रखते हो, यस आई डू कीप माई हाउस क्लीन, हाँ मैं अपने घर को क्लीन रखता हूँ, जा रखती हूँ, यूजिंग ब्रूम स्टिक्स, झाड़ू से एंड मोपर, और क्या लगा के, पोचा लगा के, ठीक है। बाथरूम इज क्लीन डेली, और बाथरूम को हर रोज साफ करती हूँ, डस्टिंग डेली। तो इस तरह से मैं अपने घर को क्लीन रखती हूँ। आगे देखो कुछ और क्वेश्चंस हैं। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, क्या सभी, और कौन सभी आपके घर के हाउस को क्लीन करने में आपकी हेल्प करते हैं? तो माई मदर, आपके सभी घर के सभी सदस्य कुछ ना कुछ काम करते होंगे। वैसे सबसे ज्यादा काम कौन करता है हाउस को क्लीन करने में, मदर, जा कहीं जिन्होंने क्या रखी होती है, मेड सर्वेंट रखी होती है। आगे देखो, वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, आप फ्रेश होने के लिए सुबह कहाँ जाते हो? आई गो टू द टॉयलेट, हम कहाँ जाते हैं, बाथरूम में, वॉशरूम में, टॉयलेट में, ठीक है। आगे है थर्ड, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, अब आप अपने घर के गार्बेज क्या होता है, कूड़ा करकट जो डस्टबिन में हम घेरते हैं, तो अपने घर का, एक बार तो अपने घर में डस्टबिन लगाते हो पर जो सारे इकट्ठा करके कहाँ घेरते हो, गार्बेज इन डस्टबिन एट द रोड साइड, या गार्बेज बिन जो बाहर बड़े बड़े वो लगे होते हैं ना, टैंकर लगे होते हैं, वहां पे जा कोई कूड़े वाला आता है तो हम लिखेंगे इन डस्टबिन, जा क्या लिखेंगे, एट द रोड साइड, जो सड़क के क्या लगे होते हैं, बड़े बड़े टीन के डब्बे लगे होते हैं। इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, क्या ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके घर के चारों ओर का एरिया भी क्लीन होता है? यस यस इट इज क्लीन, क्योंकि बाहर भी क्या लगे होते हैं, स्वीपर लगे होते हैं स्ट्रीट के। डू यू यूज ए टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस, क्या तुम टॉयलेट को यूज करते हो और अराउंड योर हाउस, जा अपने घर के आस पास जा होता है, जा घर के चारों ओर, तो कहाँ करते हैं, इन द हाउस, क्योंकि सभी घरों में क्या होते हैं, टॉयलेट होते हैं। हु क्लीन्स इट, इसको क्लीन कौन करता है, मेड सर्वेंट करती है। हाउ डू यू कीप इन कीपिंग इट क्लीन, अब तुम बताओ कि तुम इसे क्लीन रखने में कैसे करते हो। इट इज क्लीन आफ्टर आई यूज इट, जब मैं इसको यूज करता हूँ टॉयलेट को तो क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ, फ्लश कर देता हूँ। तो इस तरह हम क्लीन कर सकते हैं। आगे देखो, यूज ऑफ टॉयलेट, अब एक सिमी है लड़की और बिल्लू लड़का है, तो सिमी नोटिस, सिमी ने देखा डैट हर फ्रेंड, जो उसका फ्रेंड बिल्लू है
वाज गेटिंग अनकंफर्टेबल, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था, यानी कि उसको कुछ बेचैनी सी लग रही थी. ही वाज नॉट टॉकिंग टू हर, और वो किसी से बातचीत भी नहीं कर रहा था. तो सिमी ने क्या कहा बिल्लू को, व्हाट हैपन, कि क्या हुआ तुम्हें, यू लुक सो डल, कि तुम बहुत ज़्यादा डल लग रहे हो. बिल्लू ने क्या कहा, आई डोंट नाउ हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली. तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बिल्लू क्या कहता है कि मैं नहीं जानता टॉयलेट को प्रॉपरली अच्छी तरह कैसे यूज़ करते हैं. तो हीरा मैम वुड बी नो हर अराउंड, हीरा मैम यहाँ पे अराउंड पे आएंगी स्कूल में, स्कूल की बात कर रहे हैं, एंड अगेन शी वुड स्कॉल्ड मी, और मुझे फिर से झिड़केंगी एज यूजल और नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, कि आपको कि बिल्लू को क्या नहीं यूज़ करनी आती, टॉयलेट यूज़ नहीं करनी आती. वो सिमी को बता रहा है कि भी मैम मेरे को झिड़केगी. तो सिमी क्या कहती है, वाई डोंट यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन, कि तुम्हें प्रॉपरली यूज़ क्यों नहीं करनी आती. तो बिल्लू क्या कहता है, आई एम स्केयर्ड डैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट, कि मुझे डर लगता है. ये देखो इस पिक में दिखा रखा है, कहता है मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इसकी टॉयलेट पिट में, जो खड्डा होता है ना वो, तो उसमें कहीं गिर ना जाऊँ. सिमी क्या कहती है, हाउ स्टूपिड, तुम कितने मूर्ख हो, एंड नाउ आई नो इट इज़ यूज एंड मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक यू, कहती मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारे जैसे कई और फ्रेंड्स भी हैं हु मेक आर टॉयलेट सो डर्टी, अपनी टॉयलेट्स को क्या करते हैं, गंदी रखते हैं, बाई नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, और अपनी टॉयलेट को अच्छी तरह से यूज़ नहीं करते. डोंट बी स्केयर्ड, बी रिस्पॉन्सिबल, तुम्हें डरना नहीं है, रिस्पॉन्सिबल बनो, जिम्मेवार बनो कि उसको कैसे यूज़ करना है. लेट अस नाउ, कहती आओ हम देखते हैं, सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल, कि कैसे जिम्मेवार बना जाए, जिम्मेवार, जिम्मेदारी वाला, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार बनना चाहिए. यूज़ द टॉयलेट बाय सीटिंग प्रॉपरली, तुम्हें टॉयलेट को यूज़ करना चाहिए, उस पर अच्छी तरह बैठ कर. ऑलवेज फ्लश, हमेशा फ्लश करना चाहिए विद वाटर, पानी के साथ, आफ्टर यूज़, जब तुम टॉयलेट को यूज़ करते हो तो उसको फ्लश करना चाहिए. वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, और अपने आप को प्रॉपरली अच्छी तरह से धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए. वॉश योर हैंड्स थ्योरली, और थ्योरली मतलब पूरी तरह अपने हैंड्स को भी वॉश करना चाहिए. तो आगे क्या है, लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, तो हमें टॉयलेट को छोड़ना चाहिए जैसे वो हमें साफ मिलती है, वैसे ही हमें यूज़ करने के बाद भी उसे साफ रखना चाहिए. डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, फॉर गांधी जी 150 बर्थडे, जब गांधी जी का 150 बर्थडे था तो उन्होंने एक अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि अपने इंडिया को एक साफ रखने का, कि हर एक वाज लॉन्च किया था, लागू किया था. उसमें क्या थी, उसमें इट इज़ हेल्प अस रियलाइज, ये हमें रियलाइज करवाने की हेल्प कर रहे थे कि क्लीननेस इज एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक मनुष्य की, हर एक आदमी की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी है कि वो अपने आप को साफ रखे और अपने सराउंडिंग एरिया को स्वस्थ रखे. तो ये एक अभियान चलाया था गांधी जी ने स्वच्छ भारत का, तो आपने भी किया होगा. तो हमें, अगर हम घर के एक एक सदस्य, सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा साफ रखेंगे तो हमारा घर क्या रहेगा, क्लीन रहेगा. ऐसे ही हमें स्कूल में करना चाहिए. डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल, तो अब आपने अपने टॉयलेट एरिया के, स्कूल के टॉयलेट एरिया को डिस्क्राइब करना है, मींस बताना है. तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ क्लीन, कि ये साफ रहता है, और सेपरेट क्या बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं टॉयलेट एरियाज बॉयज़ और गर्ल्स के लिए. इज इट क्लीन, क्या ये क्लीन है, येस इट इज़ क्लीन. हु क्लीन्स इट, इसको कौन करता है साफ और कैसे करता है, मेड सर्वेंट करती है, क्लीन कैसे करती है, उसको वॉश करके करती है. हाउ डू यू हेल्प इन इट, क्या आप उसमें उसकी हेल्प करते हो, येस ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज़, कि हम उसे हमेशा फ्लश करते हैं आफ्टर यूजिंग के बाद. फ्रॉम नाउ बिल्लू यूज़ द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली, अब क्या हुआ, बिल्लू को टॉयलेट को जिम्मेवारी से यूज़ करना आ गया. ही लेफ्ट इट क्लीन, वो पहले भी और बाद में भी, आफ्टर इट्स यूज़, उसको यूज़ करने के बाद भी और उसको छोड़ने के बाद भी, एंड वॉश हिज हैंड, और अपने हैंड्स को साफ करता है, यानी कि यूज़ करने के बाद टॉयलेट को साफ रखता है. डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, क्या आपने भी अपनी टॉयलेट को क्या रखते हो, क्लीन रखते हो, एज यू वॉन्ट इफ फॉर योर सेल्फ, जैसे कि आप चाहते हो. तो हम क्या लिखेंगे, येस, जैसे कि आपको टॉयलेट पहले साफ मिलती है तो आप भी वो यू
एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, जैसे आप अपने लिए चाहते हो तो आप भी टॉयलेट को क्लीन करते हो, तो हम क्या लिखेंगे? यस, अनलिस्ट द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड। तो आप बताओ कि एक दिन में आप कितनी बार हैंड वॉश करते हो? वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले करते हो, प्लेइंग के बाद करते हो, आफ्टर प्लेइंग ईटिंग से पहले, है ना? और क्या करते हो? वॉशिंग योर हैंड, जैसे आप सुबह उठते हो, तो आपने बताना है कि कितने टाइम्स करते हो, 7-8 times जब भी आप कुछ भी करते हो। When do you think your hands get dirty? और आपके hands कब कब dirty होते हैं? After playing, after using toilet, after eating, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो। When old do you need to keep yourself clean? आपको कब जरूरत पड़ती है अपने आप को क्लीन करने की? When means time बताना। Washing, नहाते हुए, brushing teeth को ब्रश करते हुए, clipping the nails रेगुलरली, और अपने नेल्स को रेगुलरली क्लिप करने में, यानी कि जो हम करते हैं ना वन से वीक में हम नेल्स को क्या करते हैं, क्योंकि वन वीक के बाद नेल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उसको ट्रिम करना चाहिए। क्या करते हैं? वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले, बिफोर होता है पहले, आफ्टर क्या होता है, बाद में हम हैंड को वॉश करते हैं। कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास का एरिया भी हमें क्लीन करना चाहिए। व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट डू द अबव, अगर आप नहीं करोगे ये जो सारी आगे जो हमने आदतें करी हैं क्लीननेस की, तो आप क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे, यू आर सिक, बीमार हो जाओगे। लुक हाउ ब्यूटिफुली लताज हाउस इज डेकोरेट, अब आपको इस पिक में लताज हाउस दिखा रखा है, देखो कैसे डेकोरेट किया है, यहाँ पे रंगोली बनी हुई है, बंदर बार लगा रखा है, तो इसमें बताना है इज देयर एनी स्पेशल वे, क्या कोई और खास तरीका होता है इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, जब आप अपने हाउस को डेकोरेट करते हो, कब करते हो और कैसे करते हो? तो हम डेकोरेट कब करते हैं, या तो दिवाली पे करते हैं, बर्थडे पार्टी में, या हम लिख सकते हैं मैरिज वगैरह में, जब कहीं कोई प्रोग्राम होता है ना घर में, मैरिज पार्टी, तो यू क्या करते हैं, वी डेकोरेट आवर हाउस विद कलरफुल लाइट्स एंड रंगोली कैंडल्स, जो भी आप दिवाली पे, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिख सकते हो कि आप कैसे डेकोरेट करते हो। आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस, आप अपने फ्रेंड से भी पूछो कि वो कब करते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स पे करते हैं और कैसे करते हैं, कौन कौन से डेकोरेटिंग थिंग्स लगाते हैं। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस, अब आपने बताना है कि जब आप अपने घर को डेकोरेट करते हो किसी भी पार्टी वगैरह में, तो क्या क्या करते हो? फ्लावर्स लगाते हो, वॉल हैंगिंग्स लगाते हो, दीवार पे टांगने वाली पेंटिंग्स, और क्या करते हो? आर्ट फैक्ट्स लगाते हो, कोई आर्ट की चीज़ लगाते हो, फैंसी लाइट्स और रंगोली, और भी आप कुछ लिख सकते हो जो जो आप अपने घर को डेकोरेट करने में लगाते हो। तो बच्चों ये चैप्टर जो हमारा हाउस था, छोटू हाउस, कंप्लीट हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स।